आदरणीय सभापति जी, मैं यहाँ आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में भागीदार बनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण को मेरी तरफ से आदरपूर्वक धन्यवाद भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं राष्ट्रपति जी के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और राष्ट्र को दिशा निर्देश के लिए और एक प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को सामर्थ्य देने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त। चर्चा के दरमियान अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना ये उनकी मजबूरी थी, उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में और ऐसा आनंद आया ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है, लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का
आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप गवा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है, देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है और हमने सुना है, लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है, और आज जो भी बातें हुई हैं उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए, और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी
सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद आगे क्या बोलूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरे आम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घटना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म, उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने नथिंग जानी एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड, और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे, जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी के कंफ्यूजन में गुजारा किया, जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही, जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर, और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है, हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए, और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने
ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पांच जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय ये पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता, मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है, ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं, ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं, देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय, ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा, एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए,
राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से एक रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले, हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट, प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? अपर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय समाजपति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार, इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो इस देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे, क्यों नहीं बनाया?
अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में, आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते, ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, धकियानों से मानने लगा गया, और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई है। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं, तो आप प्रोग्रेसिव हैं? इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में, और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना उसको गर्व का और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था, ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं, मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है, आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था, युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है, और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं, और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, सिद्ध करना चाहते हैं, तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती। 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस, इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरीबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना, तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है, इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है
मेरे पास प्रमाण और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां हैं इतने यहां हैं, उसका मूल यहां, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। और आदरणीय सभापति जी, लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज हर्ड इन रैप्ट अटेंशन, आर यू सेटिंग दिस एग्जाम्पल? लीडर ऑफ अपोजिशन, आदरणीय सभापति जी, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए, दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच, ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण देख सकता हूं लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी एसटी ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370, मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी एसटी ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे, उसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट
उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था, ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7-7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है। और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी ने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया है वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सर, ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड। जो ओनली एड्रेस, नो, पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव, उनको उम्मीदवार बनाया। आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है, अगर हमसे वैचारिक विरोध होता, आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता, मैं समझ सकता था, लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था और इसलिए आपने, और ये जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे थे वो भी एक आदिवासी दौर दी, उनके साथ भी यही किया गया था। और आज तक सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है।
एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब परिचय। आदरणीय सभापति जी, जब हम हमारी सरकार के परफॉर्मेंस की बात करता हूं, एनडीए की जो गरीब कल्याण की नीतियों की बातें करता हूं, थोड़ा सा अगर उस समाज को निकट से जानते हो, आखिर कौन समाज है लाभार्थी, कौन लोग हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में किसको रहने के लिए जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, ये किस समाज के लोग हैं, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, व्यवस्थाओं से वंचित रहना पड़ा, कौन समाज है। हमने जितना काम किया है ना, ये एससी एसटी ओबीसी आदिवासी इसी समाज के लिए है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है तो मेरे इस समाज के बंधुओं को मिला। स्वच्छता के अभाव में हर वर्ष बीमारी से जूझना पड़ता था, उनको सर स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम सभापति जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है, ताकि उसको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला। इसी परिवारों के हमारी माताएं बहनें धुएं से खाना पका पका करके अपने स्वास्थ्य के संकट को झेल रही थी, हमने उनको उज्ज्वला गैस दिया, वो इन्हीं परिवारों का। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके लाभार्थी यही मेरे परिवार है, जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवारजन हैं, जिनके लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ ऐसा नैरेटिव रखा गया, कम से कम तथ्यों को इस प्रकार से नकारना किसका भला होगा। आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां शिक्षा के भ्रामक आंकड़े रखे गए, गुमराह करने का कैसा प्रयास होता है। पिछले 10 वर्ष में एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, 10 साल में उसकी वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में स्कूलों में, हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बड़ी है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुआ है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले 120 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, आदरणीय सभापति जी आज 400 एकलव्य मॉडल स्कूल। आप इन चीजों को क्यों नकारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सभापति जी, पहले एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी, आज 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज हैं। आदरणीय सभापति जी, ये भी सच्चाई है कि लंबे अरसे तक दलित पिछड़े आदिवासी बेटे बेटियां कॉलेजों का दरवाजा तक नहीं देख पाते थे। मुझे याद है, मैं गुजरात में जब सीएम बना तो मेरे लिए चौंकाने वाला एनालिसिस मेरे सामने आया, गुजरात में उमरगांव से अंबाजीपुरा बेल्ट आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे दिग्विजय जी के एक दामाद भी उसी इलाके में है, उस पूरे इलाके में साइंस स्ट्रीम की एक भी स्कूल नहीं थी। मैं जब वहां गया, अब उस इलाके में मेरे आदिवासी बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं होगी तो इंजीनियरिंग डॉक्टरी का तो सवाल ही कहां उठता है। ऐसी मिनिमम चीजें उन, और यहां पर क्या भाषण दे रहे हैं जी। आदरणीय सभापति जी,
और मैं बताना चाहता हूँ, सदन को गर्व होगा, संतोष, आप उस सदन में बैठे हैं वहाँ एक ऐसी सरकार आपके साथ बात कर रही है, एक ऐसी सरकार नेतृत्व कर रही है जहाँ कितना बड़ा परिवर्तन आया। आप उस समाज का विश्वास बढ़ाइए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, वो देश की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें। आप देखिए आदिवासी और हमारे एससी एससी समाज के विद्यार्थियों का नामांकन, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में एससी विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ा है, उच्च शिक्षा में एसटी विद्यार्थियों का नामांकन 65% बढ़ा है, हायर एजुकेशन में ओबीसी समाज के विद्यार्थियों का नामांकन में 45% बढ़ोतरी। और जब मेरे गरीब दलित पिछड़े आदिवासी वंचित उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस समाज के अंदर एक नया वातावरण पैदा होगा। और उस दिशा में हमारी कोशिश यही है कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन मजबूती से काम करें, और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस प्रकार से बल देकर काम किया है। कृपा करके, जानकारियों का अभाव है तो कहिए, हम जानकारियां दे देंगे, लेकिन ऐसे नैरेटिव मत बनाइए ताकि आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो, आपके शब्द की ताकत खत्म हो जाए, आप पर दया आ जाती है कभी कभी। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और जब इतने सारे काम करते हैं, मान लीजिए किसी ने एक कविता लिख करके भेजी थी, कविता तो बड़ी लंबी है, तो उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है, नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। आदरणीय सभापति जी, किस प्रकार से देश में निराशा फैलाने का प्रयास, मैं ये तो समझता हूं जो लोग इतनी निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वैसे निराशा फैलाने का उनका सामर्थ्य भी बचा नहीं है, वो भी सामर्थ्य नहीं बचा, आशा का तो संचार कर ही नहीं सकते, जो खुद निराशा में डूबे उनसे आशा है। लेकिन देश में हर जगह यहां बैठो वहां निराशा 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 फैलाने का जो खेल चल रहा है और सच्चाई को नकार करके हो रहा, वो न खुद का भला कर पाएंगे न देश का भला कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, हर बार एक ही गाना गाया जाता है समाज के कुछ वर्गों को भड़काने के लिए, बिना हकीकतों को ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं। मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले ताकि पता चले। आदरणीय सभापति जी, यहां पर सरकारी कंपनियों को लेकर हम ऊपर भांति भांति के आरोप लगे, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर पैर माथा कुछ नहीं बस लगाते चलो। अब देखिए, देश को याद है मारुति के शेयर का क्या खेल चल रहा था, उस जमाने में हेडलाइन बना करती थी मारुति शेयर का क्या चल रहा था, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, उनको वहां तक पानी पहुंचेगा कि शायद यहाँ पर करंट लग जाएगा, इसलिए मैं वहां तक जाना नहीं चाहता। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश को जानना जरूरी है,
आदरणीय सभापति जी, मैं तो आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ, मेरे विचार भी आजाद हैं और मेरे सपने भी आजाद हैं। जो गुलामी की मानसिकता को जीने वाले हैं उसके बाद और कोई चीजें नहीं है, वही पुराने कागज लेकर लेकर के घूमते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती बाती की बातें यहां सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे, वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल एमटीएनएल बर्बाद हो चुके, जरा याद कीजिए एचएएल उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी बर्बादी, और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर, जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते, देश बड़ी भांति जानता है। और अब मैं हमारे कार्यकाल के जरा सफलता की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल देख रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल, जिसको लेकर के इतने जो होल्ले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई, कहां छोड़ा था कहां जाके लगाया हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो यहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे, एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया, जितनी गलत बातें एलआईसी को ले बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने का, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो लेने का मन करता हो लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। एलआईसी क्या चलाया? आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। क्यों? आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए, अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में, अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, आज 254 है, 234 थे आज 254 है। अब भाई कोई
कौन सा एरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए। अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले यानी 2014 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उसी यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है, आपको खुशी होनी चाहिए। भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हरा हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूं। जैसे हमारे यहां दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भाई एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीजों का पता है, देवगढ़ा साहब है तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है, तो हम इसका महात्मा ही समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी
उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबत है, मैं समझ सकता हूँ। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहाँ से हुक्म आया तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे, वो तो मैं समझ सकता हूँ। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ही ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकत देने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है, और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है, इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड में, एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बन करके केंद्र और राज्य ने काम किया, दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई हम सब ने मिलकर के, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिलकर के इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है, इस सोच में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे, हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है, हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200 एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में, ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। मेरे लिए किसकी सरकार है इसके आधार पर मैं देश नहीं चलाता, हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते इस भूमिका से काम किया है। आदरणीय सभापति, हमारे देश में विदेश के मेहमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे थे, थोड़ा पहले भी आते थे, आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूँ राज्यों में ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में भी है। पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कोने का एक्सपोजर मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। वहां की सरकार का सहयोग असहयोग
इसके तराजू पर नहीं तोड़ते, एक एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। मैं दुनिया को पता चले कि मेरा राजस्थान ऐसा। आदरणीय सभापति जी, हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो सफलता है ना, उसमें 80% भूमिका मेरे राज्यों के सहयोग की है। राज्यों ने जो सहयोग किया है, उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मेरी भावना को समझा है। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों से मिल रही है, और जो राज्य वो राज्य की औसत में भी आखिरी पायदान पे खड़े थे, वो आज नेशनल एवरेज के साथ कंपटीशन करने लगे। ये डिस्ट्रिक्ट कभी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट मानी जाती थी, ये सबका सहयोग से हो रहा है। और इसलिए हमारे कार्यक्रमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिलकर के देश के भविष्य को बनाने की है। आज देश का हर कोना, हर परिवार विकास के फल प्राप्त करे, ये हम सबका दायित्व है और हम उसी दिशा में जाना चाहते हैं। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर का काम करेगा, पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से इंदौर भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेके आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, कहीं देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार आए, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें कि नदियां मेरे यहां से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दें
कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा। आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन कोविड के समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन की संभावनाएं, पूर्वी कार्य जो उद्योग है उसके साथ देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का। उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है, क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है, ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए, देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। आदरणीय सभापति जी, पिछले 10 वर्ष नीति और निर्माण के आदरणीय सभापति जी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नो आदरणीय सभापति जी, टेक योर सीट। नीति और निर्माण कंडक्ट डजंट सूट योर पोजीशन, नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए प्लीज टेक योर सीट। जो दिशा हमने पकड़ी, जो निर्माण कार्य हमने लिए हैं, बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। आदरणीय सभापति जी, हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे, उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े, अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए, हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उसके लिए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विस्तार पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले, और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाने और ताकत देने वाले। आदरणीय सभापति जी, आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ढिकना करिए, फलाना करिए, कहना क्यों, कहीं दोबारा वहाँ मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज़्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आ करके फिर से गरीबी की तरफ लपकने जाए, और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूबने जाए। हम 5 लाख रुपये आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है, परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है, और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है, और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। आदरणीय सभापति जी, देश जानता है आदरणीय सभापति जी, और इसीलिए मैंने गारंटी दी है, मेरी गारंटी है गरीबों के 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा
आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी, ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है। अगर परिवार बड़ा होता है, नया परिवार बनता है, पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गारंटी है कि नल से जल, हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है, जारी रखेंगे। ये काम सारे तेजी से चलेंगे, क्योंकि विकास का जो रास्ता, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो, और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना, पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लाखों रुपये बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले, और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे, उसलिए मैं कह रहा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बढ़ना था। मैं देखने वाला हूँ 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान बन रहे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है।
अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा, देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी, इलेक्ट्रॉनिक हर गुड में वो चीप होगी जिसमें किसी न किसी भारतीय का पसीना होगा। आदरणीय साहब, दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य आने वाले 5 साल में देश देखेगा। आदरणीय सभापति जी, आज देश लाखों करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम ऊर्जा जरूरतों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने में सफल होंगे। इसे इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ग्रीन हाइड्रोजन अभियान, हम दुनिया के बाजार को लालायित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रहेगा। इथेनॉल की दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम 20% का लक्ष्य प्राप्त करके हमारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में सस्ता मिले इसकी व्यवस्था होगी। आदरणीय सभापति जी, जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है, किसानों की नई बचत भी होने वाली है। देश के हजारों करोड़ रुपये आज खाद देते हैं, हम कृषि प्रधान देश तो कहते हैं लेकिन आज भी हजारों करोड़ रुपयों का खाने का तेल हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। हमारे देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मैं मुझे पक्का भी जो नीतियों को लेकर के हम चलते हैं एडिबल ऑयल में मेरा देश बहुत एक आत्मनिर्भर 5 साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जेब में जाएगा जो आज विदेश के बाजार में जाता है। आदरणीय सभापति जी, केमिकल की खेती के कारण हमारी धरती माँ को बहुत नुकसान हो रहा है, आने वाले 5 साल में नेचुरल फार्मिंग की तरफ देश के किसानों को ले जाने में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, एक नया जागृति का काम होगा, हमारी धरती माँ की भी सुरक्षा होगी। आदरणीय सभापति जी, नेचुरल फार्मिंग बढ़ने से दुनिया के बाजार में भी हमारे उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है। आदरणीय सभापति जी, यूएन के माध्यम से मैंने मिलेट का अभियान चलाया, श्री अन्न तक के रास्ते आज हमने उसकी पहचान दी है। मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूँ जबकि आने वाले 5 साल में दुनिया के बाजार में सुपर फूड के रूप में मेरे गांव के छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा हुआ मिलेट श्री अन्न दुनिया के बाजार में प्रतिष्ठा होगी, सुपर फूड की प्रतिष्ठा होगी। आदरणीय सभापति जी, ड्रोन खेतों में एक नई किसानों की ताकत बनकर के उभरने वाला है। 15,000 ड्रोन दीदी का कार्यक्रम ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत सफलता दिखती है। आदरणीय सभापति जी, हम नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने में प्रयोग अब तक सफल हुए हैं, हमने नैनो यूरिया में बहुत बड़ी सफलता पाई है, नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घूमने वाला किसान एक बॉटल के खातर से काम चला लेगा, वो इतनी दूर नहीं है। आदरणीय सभापति जी, सहकारिता क्षेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, उसके पीछे इरादा है कि एक सहकारिता का पूरा जन आंदोलन नई ताकत के साथ उभरे और 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार उभरे, उसको भी हम और उसका सबसे बड़ा लाभ हम 2 लाख भंडारण का काम जो हाथ में लिया है जब 5 साल के भीतर भीतर वो पूरा हो जाएगा, छोटा किसान को भी अपनी पैदावार को रखने की जगह मिल जाएगी, किसान तय करेगा किस भाव से बाजार में बेचना है नहीं बेचना है, उसको जो बर्बाद होने का डर था वो खत्म हो जाएगा और किसान की आर्थिक ताकत बढ़ जाएगी। पशुपालन और मछली पालन पक्का मैं कहता हूँ नए रिकॉर्ड बनाने वाले, आज हमारे यहाँ पशु की संख्या है लेकिन दूध की उत्पादन कम है, हम इस स्थिति को बदल देंगे। फिशरिंग एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। हमने एफपीओ की जो रचना का प्रारंभ किया है अनुभव बहुत अच्छा है, 5 साल के भीतर भीतर किसानों की एक नई संगठन की शक्ति और कृषि उत्पादन में वैल्यू की ताकत, ये लाभ
मेरे देश के किसानों को अवश्य मिलने वाला है। आदरणीय सभापति जी, G20 की सफलता ने साफ कर दिया है और दुनिया में कोविड के बाद जो खुलापन आया, उस खुलापन का सबसे बड़ा लाभ हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज्म आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है, भारत में भी बहुत से राज्य ऐसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म होगा और वो दिन दूर नहीं है। जिन नीतियों को लेकर हम चल रहे हैं, भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। आदरणीय सभापति जी, जिसका हिसाब किताब पहले बहुत कम हुआ करता था, जिसकी बातें सुन करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी, जब मैं डिजिटल इंडिया की चर्चा करता था, जब मैं फिनटेक की चर्चा करता था, तब मैं जरा आउट ऑफ बॉक्स की बातें कर रहा हूँ ऐसा लोगों को लगता था, आउटडेटेड सोच वालों के लिए सामर्थ्य का अभाव था। लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। भारत एक नई शक्ति है और डिजिटल व्यवस्थाएं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। विश्व मानता है कि AI का सबसे ज्यादा उपयोग कोई करने का सामर्थ्य किसी देश में होगा तो हिंदुस्तान में होगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग मेरा देश करेगा। आदरणीय सभापति जी, स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, हमारे वैज्ञानिकों का पराक्रम नजर आने वाला और आने वाले 5 साल का जो कार्यक्रम है ना, मैं आज उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन विश्व को अचंभित करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति, ग्रास रूट लेवल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव, 10 करोड़ स्वयं सहायता जूथों में हमारी माताएं बहनें जुड़ी हो और 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी, ये अपने आप में हमारे बेटियों के उत्कर्ष की गाथा लिखते हैं। आदरणीय सभापति जी, ऐसे अनेक विविध क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में मैं साफ देख रहा हूं आने वाले 5 साल भारत, कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब 5 साल में वो मजबूत नींव आएगी और 2047 तक पहुंचते पहुंचते ये देश उस स्वर्णिम युग को फिर से जीने लगेगा, उस विश्वास के साथ। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्पित भाव से हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है। उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। आने वाली सदियां इस स्वर्ण काल का इतिहास में अंकित करेगी, ये विश्वास मेरे मन में इसलिए है, देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश बदलाव के 10 साल के अनुभव को देखा है, एक एक क्षेत्र में जो बदलाव देखा है वो तेज गति से बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई ताकत प्राप्त होने वाली है और हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ये हमारी कार्यशैली का हिस्सा है। आदरणीय सभापति जी, मैं फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे उसके कारण देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और डंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है, संविधान की पूरी साक्ष्य रख करके ये विचार रखने का अवसर मिला है, मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है, जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। मैं फिर एक बार आदरणीय सभापति जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय राष्ट्रपति जी को मेरी तरफ से उनके व्याख्यान के लिए आदरपूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।